हे दोस्तों, वेलकम टू द ह्यूमन बॉडी सीरीज के पार्ट 6 में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन माउथ की, जिसे हिंदी में मुंह कहते हैं। दोस्तों, ह्यूमन माउथ स्कल में ओवल शेप ओपनिंग होता है, जो लिप्स से स्टार्ट होता है और थ्रोट पे खत्म होता है। इसे ओरल कैविटी भी कहते हैं। माउथ से एयर और कई न्यूट्रिएंट्स बॉडी में एंटर करते हैं। ये हमें बोलने में और खाने के अलावा कई तरह से हेल्प करता है। हमारे गालों को इंग्लिश में चीक कहते हैं और इनकी इनर लाइनिंग को ब्यूकल म्यूकोसा कहते हैं। माउथ हमारे बॉडी का इंटीग्रल पार्ट है। इससे ही बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स खाने के द्वारा बॉडी के अंदर जाते हैं। ये हमें खाना चबाने में, खाने में, पचाने में, पीने में और निगलने के अलावा बातें करने में भी हेल्प करता है। माउथ के आगे भी पार्ट्स होते हैं, जैसे चीक्स, लिप्स, पैलेट एक्सेट्रा। माउथ के रूफ को हम पैलेट कहते हैं। इसे माउथ और नेजल कैविटी सेपरेटेड रहते हैं। पैलेट बोन और मसल से बना हुआ होता है। माउथ के अंदर और भी पार्ट्स होते हैं, जिनके बारे में आपको ब्रीफ में बताता हूँ। पहला पार्ट है गम्स। गम्स एक टाइप के टिश्यूज होते हैं, जिनसे हमारे दांत की पोजीशन मेंटेन रहती है। सेकेंड पार्ट है ओरल म्यूकोसा। माउथ के अंदर की ओरल लाइनिंग को ओरल म्यूकोसा या म्यूकोसा मेम्ब्रेन्स कहते हैं। थर्ड है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स के तीन पैर से सलाइवरी बनता है, जिससे मुंह के अंदर हम जो खाना खाते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है। और वो तीन सलाइवरी ग्लैंड्स के नाम है पैरोटिड ग्लैंड्स, द सबलिंगुअल ग्लैंड्स एंड द सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। फोर्थ पार्ट है सेंसरी रिसेप्टर्स। हमारे माउथ में कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमें खाने पीने की चीज़ों का टेम्परेचर और टेक्सचर सेंस करने में हेल्प करते हैं। फिफ्थ पार्ट है टेस्ट बड्स। हमारे मुंह में बहुत से टेस्ट बड्स होते हैं, जो हमें किसी भी चीज़ के टेस्ट और फ्लेवर को सेंस करने में हेल्प करते हैं। सिक्स्थ पार्ट है टीथ। एक नॉर्मल एडल्ट में 32 दांत होते हैं, जो खाने को ब्रेक डाउन करके निगलने में हेल्प करते हैं, जिसे मेस्टिकेशन ऑफ फूड भी कहते हैं। सेवन्थ पार्ट है टंग। टंग एक स्ट्रॉन्ग मसल है, जिसमें टेस्ट बड्स होते हैं। ये चबाए गए खाने को निगलने में हेल्प करती है और साथ ही साथ बोलने में भी हेल्प करती है। एट्थ पार्ट है ओवूला। हमारी बॉडी में एक हैंगिंग फ्लैशी पीस होता है, जो हमारे पैलेट की बैक में प्रेजेंट होता है, उसे ओवूला कहते हैं। ओवूला खाने को माउथ से थ्रोट में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई माउथ के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, हेल्दी माउथ रखना एक नेसेसिटी है, क्योंकि माउथ एक ऐसा पार्ट है जिससे बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। अगर माउथ के किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आए, तो वो पूरी बॉडी पे अफेक्ट कर सकता है। एक हेल्दी माउथ के पिंक कलर के टिश्यूज होते हैं, और वो फर्म और मॉइस्ट होते हैं। हेल्दी गम्स फर्म और पिंक होते हैं। जिनके गम्स रेड या वाइट कलर के या स्वलन होते हैं, वो हेल्दी नहीं होते हैं। हमारे दांत भी गम्स पे फर्मली प्लांटेड होने चाहिए। जब भी आप दांतों को ब्रश करें या खाना खा रहे हो, तो उनमें दर्द नहीं होना चाहिए। यही साइन है एक हेल्दी माउथ का। दोस्तों, हमें अपनी ओरल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ओरल कैविटी में कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओरल हेल्थ ठीक ना होने की वजह से इन पे एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है, जिससे माउथ के बाकी पार्ट्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा और हमारी हेल्थ पे भी। ऐसे कई चीजें हैं जिनसे ओरल कैविटी अफेक्ट हो सकती है, जैसे बैड ब्रेथ, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, कोल्ड सोर्स, ड्राई माउथ, इन्फेक्शंस, ट्रॉमा, इंजरी, टूथ प्रॉब्लम्स जैसे डेंटल प्लाक कैविटीज, गम प्रॉब्लम्स जैसे जिंजिवाइटिस, पीरियोडोंटिटिस, स्पीच प्रॉब्लम्स जैसे लिस्प एक्सेट्रा। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो डेंटिस्ट को जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि ऐसा ना करने से ओरल हेल्थ इश्यूज और भी बढ़ सकते हैं। दोस्तों, माउथ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हमने जान ली। अब जानते हैं माउथ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। पहला फैक्ट है, अगर माउथ में सलाइवा ना हो, तो हम कुछ भी टेस्ट नहीं कर पाते। सलाइवा की इम्पोर्टेंस टेस्ट में ही नहीं, बल्कि फूड को डाइजेस्ट करने में भी होती है। सेकेंड फैक्ट है, टीथ की फॉर्मेशन आपके पैदा होने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, पर हमें वो 6 से 12 महीने के होने के बाद ही दिखाई देती है। थर्ड फैक्ट है, ग्रीन टी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, जिनसे हमारे गम्स यानी मसूड़े हेल्दी रहते हैं। फोर्थ फैक्ट है, हम हर रोज 0.5 लीटर से 1.5 लीटर तक का सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। फिफ्थ और लास्ट फैक्ट है, टीथ के सरफेस पे जो एनेमल होते हैं, वो हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने ह्यूमन माउथ और उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जाने। लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल संजय मीणा को। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।